प्रिय विद्यार्थियों, DSS ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। मैं आपकी हिंदी अध्यापिका सरता सिंह एक बार फिर आप लोगों को हिंदी बसंत भाग एक के पाठ 12 संसार पुस्तक है पत्र के बारे में बताऊंगी। संसार पुस्तक है पत्र के लेखक पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हैं। जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के जीवन के बारे में अर्थात उनका जीवन परिचय और संसार पुस्तक है शीर्षक के सारांश को जाना था कि इसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू अपनी बेटी इंदिरा को संसार के बारे में बताया है। आज हम इस पाठ को पढ़ेंगे और उसकी व्याख्या करेंगे। जब तुम मेरे साथ रहती हो तो अक्सर मुझसे बहुत सी बातें पूछा करती हो और मैं उनका जवाब देने की कोशिश करता हूँ, लेकिन अब जब तुम मसूरी में हो और मैं इलाहाबाद में, हम दोनों उस तरह बातचीत नहीं कर सकते। इसलिए मैंने इरादा किया है कि कभी कभी तुम्हें इस दुनिया की और उन छोटे बड़े देशों की जो इस दुनिया में हैं छोटी छोटी कथाएँ लिखा करूँ। तुमने हिंदुस्तान और इंग्लैंड का कुछ हाल इतिहास में पढ़ा है। पंडित जवाहरलाल नेहरू अपनी बेटी जिनकी उम्र अभी 10 साल की रहती है तो वो उनको पत्र के माध्यम से अपनी बातों को लिखते हैं कि जब तुम मेरे पास रहती हो तो मुझसे बहुत सी बातें करती हो, बहुत से प्रश्नों को पूछती रहती हो और मैं उसका क्या करता हूँ, जवाब देता हूँ। लेकिन अब तुम कहाँ हो, अब तुम मसूरी में हो और मैं इलाहाबाद में, इसलिए हम लोग की बातचीत नहीं हो पा रही है। इसलिए मैंने यह तय किया है कि तुम्हें दुनिया की जितनी भी छोटी बड़ी देश हैं उनके बारे में तुम्हें बताऊँ, इसलिए मैं छोटी छोटी कथाएँ अर्थात पत्र को लिखा करूँ। तुमने हिंदुस्तान और इंग्लैंड का हाल क्या किया इतिहास से जाना है, तो यहाँ पे बेटा दिया है अक्सर। अक्सर का अर्थ होता है बेटा प्रायः। उसके बाद है लेकिन इंग्लैंड केवल एक छोटा सा टापू है और हिंदुस्तान जो कि एक बहुत बड़ा देश है फिर भी दुनिया का एक छोटा सा हिस्सा है। अगर तुम्हें इस दुनिया का कुछ हाल जानने का शौक है तो तुम्हें सब देशों का और उन सब जातियों का जो इसमें बसी हुई है ध्यान रखना पड़ेगा, केवल उस एक छोटे से देश का नहीं जिसमें तुम पैदा हुई हो। पंडित जवाहरलाल नेहरू अपने पत्र के माध्यम से इंदिरा गांधी को बताते हैं कि तुम्हें मैं दुनिया के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ, तो तुमने इंग्लैंड और भारत का क्या किया इतिहास में पढ़ लिया है, तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि इंग्लैंड क्या है, एक छोटा सा टापू है, और तुम्हारा जो हिंदुस्तान जो देश है वो क्या है, वो बहुत बड़ा देश है। तो एक छोटा सा टापू अर्थात बेटा एक छोटी सी एरिया है और हिंदुस्तान अपना क्या है, बहुत बड़ा देश है। फिर भी आप दुनिया का जब आप लोग के पास संसार का नक्शा होता है तो उसमें क्या होता है, हिंदुस्तान एक बहुत छोटा सा हिस्सा दिखता है। दुनिया के नक्शे में हिंदुस्तान क्या है, अपना एक छोटा सा हिस्सा देखता है। अगर तुम्हें दुनिया का जानने का शौक है तो तुम्हें सब देशों का और उनमें जितनी बसी हुई जातियां हैं उनको जानना क्या है, जानना बहुत जरूरी है। उस एक छोटे से देश का नहीं जिसमें तुम सिर्फ पैदा हुए, सिर्फ तुम्हें हिंदुस्तान के बारे में नहीं जानना है कि जहाँ तुम्हारा जन्म हुआ है, तुम्हें सारे देश के बारे में जानना है और उसमें जितने लोग रहते हैं जितनी प्रकार की वस्तुएं हैं उनके बारे में जानना जरूरी है। मुझे मालूम है कि इन छोटे छोटे खतों में बहुत थोड़ी सी बातें ही बतला सकता हूँ। उसके बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू अपने खत में लिखते हैं कि मुझे पता है कि मैं इन पत्रों में सिर्फ तुम्हें छोटी छोटी ही बातें बतला सकता हूँ और उनको लिख सकता हूँ, लेकिन मुझे आशा है कि इन थोड़ी सी बातों को भी तुम शौक से पढ़ोगी और समझोगी कि दुनिया एक है और दूसरे लोग जो इसमें आबाद हैं हमारे भाई बहन हैं। जब तुम बड़ी हो जाओगी तो तुम दुनिया और उसके आदमियों का हाल मोटी मोटी किताबों में पढ़ोगी, उसमें तुम्हें जितना आनंद मिलेगा उतना किसी कहानी या उपन्यास में भी नहीं मिलेगा।
तो यहाँ दिया है बेटा आबाद। आबाद का अर्थ होता है बसा हुआ। तो कह रहे हैं कि मैं, मुझे पता है कि मैं इस पत्र में ज़्यादा बातों को नहीं लिख सकता हूँ, कमी बातों को तुम्हें बता सकता हूँ, लेकिन मुझे आशा है अर्थात मुझे विश्वास है कि तुम इसको भी क्या करोगी, पूरी शौक के साथ यानी रुचि के साथ। शौक का अर्थ होता है बेटा रुचि से, कि तुम इसको अपनी रुचि के साथ पढ़ोगी और इसको समझोगी कि दुनिया क्या है, एक ही है। जो हमारा ये दुनिया है, संसार है, वह एक ही है और दूसरे लोग इसमें आबाद है और जितने भी लोग हैं यहाँ क्या हुए हैं, बसे हुए हैं, और सब हमारे क्या हैं, भाई बहन हैं। जब तुम बड़ी हो जाओगी तो इस तो तुम दुनिया और उसके आदमियों का हाल मोटी मोटी किताबों में पढ़ोगी। कह रहे हैं कि जब तुम बड़ी हो जाओगी तो इस दुनिया में जितने भी व्यक्ति हैं उनको क्या करोगी, इनके बारे में तुम क्या करोगी, मोटी मोटी किताबों में पढ़ोगी। लेकिन उसमें तुम्हें जितना आनंद मिलेगा अगर तुम इस दुनिया का हाल के बारे में जानोगी, दुनिया के बारे में जानोगी, तो उसमें तुम्हें क्या होगा, बहुत आनंद मिलेगा। किसी कहानी और उपन्यास में भी तुम्हें उतना आनंद नहीं मिलेगा। या तो तुम जानती ही हो कि यह धरती लाखों करोड़ों वर्ष पुरानी है और बहुत दिनों तक इसमें कोई आदमी न था। आदमियों से पहले सिर्फ जानवर थे और जानवरों से पहले एक समय ऐसा था जब इस धरती पर कोई जानदार चीज न थी। आज जब यह दुनिया हर तरह के जानवरों और आदमियों से भरी हुई है, उस जमाने का ख्याल करना भी मुश्किल है जब यहाँ कुछ न था। लेकिन विज्ञान जानने वालों और विद्वानों ने, जिन्होंने इस विषय को खूब सोचा और पढ़ा है, लिखा है कि एक समय ऐसा था जब यह धरती बेहद गर्म थी और इस पर कोई जानदार चीज़ नहीं रह सकती थी। और अगर हम उनकी किताबें पढ़ें और पहाड़ों और जानवरों की पुरानी हड्डियों को गौर से देखें तो हमें खुद मालूम होगा कि ऐसा समय जरूर रहा होगा। तो यहाँ पंडित जवाहरलाल नेहरू अपने पत्र में अपने पुत्री इंदिरा गांधी को बताते हैं कि तुमको तो पता ही है कि जो यह हमारी धरती या पृथ्वी है वो लाखों करोड़ों वर्ष पुरानी है, जहाँ यहाँ पर कोई भी आदमी नहीं रहता था। यहाँ आदमियों से पहले सिर्फ जानवर और जानवरों से पहले एक समय ऐसा था कि इस धरती पर कोई भी जानदार चीज़ नहीं थी। बताते हैं कि जो यह हमारी धरती है वो लाखों करोड़ों वर्ष पुरानी है, कि जहाँ आदमियों का कोई नामो निशान नहीं था, मतलब कोई भी व्यक्ति नहीं रहता था। और आदमियों से पहले, इंसानों से पहले क्या यहाँ पे रहते थे, तो जानवर। और जानवरों से पहले इस धरती पर कोई भी जानदार चीज़ नहीं थी जिसको हम लोग देख सकें। आज जब यह दुनिया हर तरह के जानवरों और आदमियों से भरी हुई है, उस जमाने का ख्याल करना भी मुश्किल है जब यहाँ कुछ न था। आज जो हम इस दुनिया को देख रहे हैं तो यहाँ इंसानों और जानवरों से क्या है, भरी पड़ी है। तो हम जब उस जमाने का ख्याल करते हैं तो हमें क्या होता है, बहुत मुश्किल होता है कि ऐसा भी समय रहा होगा। लेकिन जो हमारे विज्ञान जानने वाले हैं, जो वैज्ञानिक हैं, जो विद्वान हैं, जिन्होंने इस विषय को खूब सोचा और समझा, पढ़ा और लिखा, तो उन्होंने बताया कि एक समय ऐसा था कि जब यह जो हमारी पृथ्वी है, धरती है, बेहद क्या थी, बहुत गर्म थी, जिस पर कोई जानदार चीज़ नहीं रह सकती थी। जब हमारी ये पृथ्वी थी वो क्या थी, बहुत गर्म थी, जिस पर कोई भी जानदार चीज़ नहीं रह सकती थी। और अगर हम उनकी किताबें पढ़ें, पहाड़ों और जानवरों की पुरानी हड्डियों को गौर से देखें, तो हमें खुद मालूम होगा कि एक समय ज़रूर ऐसा रहा होगा। कह रहे हैं कि जो ये हमें विद्वान और वैज्ञानिक जो हमें बताते हैं, अगर हम उनकी किताबों को और पहाड़ों और जानवरों की पुरानी हड्डियों को ध्यान से देखें, तो हमें खुद ही मालूम होगा कि एक समय ज़रूर ऐसा रहा होगा कि जब यह हमारी पृथ्वी क्या होगी, बेहद गर्म होगी, जिस पे कोई भी जानदार चीज़ नहीं होगी। तो ये था संसार पुस्तक है पत्र के बारे में। आगे का पत्र हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे और समझेंगे। उम्मीद है कि आप लोगों को सब समझ में आया होगा। धन्यवाद।